हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आज का वीडियो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बोला था कि दी प्लीज बताइए आपका चैनल क्या मोनेटाइज हो गया है और आपकी क्या पेमेंट आ गई है और कितनी पेमेंट आई है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगी कि मेरी पेमेंट कितनी आई थी, कब आई थी, मैंने अपने चैनल कब स्टार्ट किया था और मेरा चैनल कितने डेज में मोनेटाइज हुआ था और चैनल स्टार्ट करते वक्त कौन कौन से मुझे प्रॉब्लम्स आई थी और उनको मैंने कैसे ओवरकम किया था। सो अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखना है सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप मेरे चैनल की वीडियोस को कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने चैनल कब स्टार्ट करा था, जो कि बहुत से लोगों का पूछना है, बहुत से लोगों के क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपने चैनल कब स्टार्ट करा था। सो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। वैसे मैंने चैनल स्टार्ट करा था 2 फरवरी को। यस गाइस, मैंने चैनल 2 फरवरी को स्टार्ट गाइस, तो 2nd फेब को मैंने अपने चैनल स्टार्ट करा था और 12 मार्च को यानी विद इन 40 डेज मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया था। और 12 मार्च को मैं एलिजिबल हो गई थी मोनेटाइजेशन के लिए और 13 मार्च को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और 15 मार्च को मेरे चैनल पे पेमेंट, मतलब जो हमारा रिवेन्यू है वो शो होना स्टार्ट हो गया था। और 15 मार्च से 31 मार्च तक की पेमेंट मेरे को मेरे अकाउंट में 24 अप्रैल को आ गई थी। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि दी आपका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया, तो मैं एक सच बता देती हूँ जो कि सच ये है कि आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी इज द की। यस गाइस, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अगर आप, मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके सब्सक्राइबर्स मुझसे ज्यादा थे और उनका चैनल मुझसे ज्यादा ग्रो था। यस गाइस, उसमें कोई बुराई नहीं है, आगे पीछे चलता रहता लाइफ में, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी और डेली वीडियोस अपलोड नहीं करे तो उनके सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम या फिर कह लो कि रुक गए, स्टैग्नेंट हो गया, उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई। तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट की है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं और डेली रेगुलर आप अपना रूटीन बांध दीजिए कि मुझे इतनी वीडियो ही अपलोड करनी है, उसको शेड्यूल कर दीजिए एक दिन प्राइस। और बहुत से लोग कहते हैं कि सपोर्ट और क्रिटिसिज्म, तो ये सब तो चलता है, ये सभी के लाइफ में चलता है। क्या जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे उतना ज्यादा तब भी नहीं था, मेरी सब फ्रेंड्स में सभी में बातचीत थी बहुत काफी, मतलब इतनी मेरी ज्यादा तो तब भी नहीं होती थी बट नॉर्मली थी। बट उसके बाद जो लोग दूसरी आईडी से हेट कमेंट्स कर रहे थे, जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं वो दूसरों की आईडी से कर रहे थे वो, कि मुझे पता ना चले। बट कहते हैं ना कि जिसका रब रखा तो सब रखा, कहते हैं। आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे पे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मैंने अभी चैनल बनाया। तो मेरा आप लोगों को बस एक ही सजेशन है कि आप लोग अपने काम में लगे रहिए, कंसिस्टेंसी से लगे रहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद आपको जो भी आपने किया है उसका पे बैक मिलेगा ही मिलेगा गाइस, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ। मतलब मुझे भी बहुत सारे, मतलब काफी सारे आसपास के लोग बोलते थे, रिश्तेदार भी इवन कहते थे कि कभी ये कुछ नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ में और ये तो ऐसे ही रहेगी, इसके भाई बहन कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगी और ये तो कुछ नहीं कर सकती लाइफ में कुछ। बट जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गाइस, तो मुझे एक नई मेरी पहचान मिली, मुझे फील हुआ कि हाँ मेरे भी चीजों को लोग पसंद करते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, जो मैं सिखा रही हूँ उस चीजों को लोग देखते हैं, लोगों को पसंद है, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वहां से। तो आप, बारी आती है सबसे मेन क्वेश्चन की जिसका आप सब वेट कर रहे थे कि मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी है। तो बताना तो मेरे को थोड़ा अपने चैनल को लेकर डर लगता है, तो मैं इसलिए बताऊंगी नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी। और बाकी आजकल तो मैंने देखा यूट्यूबर्स स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देते हैं, वो भी लगा देते हैं, बट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग समझ जाना कि मेरी यूट्यूब पेमेंट उतनी है, उसको चेक। ठीक गाइस, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरी फर्स्ट पेमेंट तो आ चुकी है, सेकेंड पेमेंट आने वाली है जो की मई में आएगी। तो आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। तो आज की वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है शिवी मिश्रा को, सत्यजीत बारबर को, वैष्णवी शर्मा को और सुनीता मेकअप वर्ल्ड को एंड यस पूजा को। सो गाइस, आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए। कीप कमेंटिंग ऑन माय वीडियो इफ यू वांट कि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं।
तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.